कुछ कुछ देखा? अच्छा ठीक है, चलो चलो चलो। कुछ समझ आया? स्मैश कर दूंगा मैं, सच बताऊं स्मैश कर दूंगा मैं, सच बताऊं। आप सोच रहे होंगे कि अचानक ये सब क्या हो रहा है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये पूरा मांजरा क्या है। दरअसल कैमरे पर सीमा हैदर को सचिन को थप्पड़ लगाते हुए देखा गया। जी हाँ, जब हमारे रिपोर्टर ने सीमा से कोई सवाल किया और उस सवाल के जवाब के दौरान सीमा ने सचिन को थप्पड़ लगा दिया। हैरानी की बात ये नहीं है कि सीमा सचिन को थप्पड़ लगाती दिख रही है। आइए आपको एक बार फिर दिखाते हैं ये वीडियो। वैसे मामला सिर्फ इतना सा नहीं है कि सीमा ने सचिन को थप्पड़ लगाया, बल्कि मामला इससे और ज्यादा गहरा है। दरअसल जैसे ही सीमा ने सचिन को थप्पड़ लगाया, इसके जवाब में गुस्से में सचिन ने कहा कि मैं सब कुछ तहस नहस कर दूंगा। जी हाँ, आइए आपको सुनवाते हैं कि सचिन क्या कुछ कहते सुनाई दे रहे हैं। जी हाँ, पहले सीमा का यूं थप्पड़ लगाना और उसे थप्पड़ के जवाब में सचिन का कहना कि मैं सब कुछ तहस नहस कर दूंगा, इस सब का क्या मतलब समझा जाए। वैसे ही सीमा पर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। सीमा लगातार सवालों के घेरे में है। सब कह रहे हैं कि ये कोई पाकिस्तानी भाभी नहीं बल्कि एक जासूस है और ISI की एजेंट है जो भारत को नुकसान पहुँचाने के लिए आई है। ऐसे में सीमा को ये सचिन की धमकी काफी ज्यादा महंगी पड़ सकती है। जी हाँ, सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सचिन क्या तहस नहस करने की बात कर रहे हैं। क्या जो लोग सोच रहे हैं कि वाकई सीमा पाकिस्तान से एजेंट बनकर आई हैं, तो क्या इन बातों में सच्चाई है? अब ये तो जांच में ही पता चलेगा कि सचिन किस लिए कह रहे हैं कि मैं सब कुछ तहस नहस कर दूंगा। वैसे कैमरे पर सीमा का यूं सचिन को थप्पड़ लगाना और सचिन का जवाब में कहना कि मैं सब कुछ तहस नहस कर दूंगा और सचिन की निगाहें, उसके एक्सप्रेशंस, ये बता देने भर के लिए काफी हैं कि सीमा का राज कुछ ना कुछ सचिन के पास छुपा हुआ है। आपका क्या कुछ कहना है इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और ऐसी ही जानकारियों के लिए चैनल रिपब्लिक भारत को सब्सक्राइब करें।